जिले में नंबर वन थाना बना कोलारस। भोपाल से आए विनय शर्मा ने आईएसओ का दिया प्रमाण पत्र। कोलारस जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह के कार्यकाल में जिले के कोलारस को आईएसओ अवार्ड मिल गया। जाहिर है ये अपने आप में एक अद्वितीय उपलब्धि है। इसका प्रमाण पत्र आईएसओ भोपाल से आए अधिकारी विनय शर्मा के द्वारा थाना प्रांगण में हुए कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, एसडीओपी अमरनाथ वर्मा, पूर्व थाना प्रभारी संजय मिश्रा, थाना प्रभारी कोलारस आलोक वर्मा ने ग्रहण किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में कोलारस थाना प्रभारी आलोक भदौरिया ने पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह, विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, सीतारात रावत, आईएसओ भोपाल से आए विनय शर्मा का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके बाद विनय शर्मा के द्वारा आईएसओ के बारे में जानकारी दी गई कि कैसे पुलिस विभाग के सहयोग से उन्होंने कोलारस थाने को आईएसओ के लिए चिन्हित किया। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के द्वारा कोलारस एसडीओपी अमरनाथ वर्मा, पूर्व थाना प्रभारी संजय मिश्रा, सभी अधिकारियों पुलिस कर्मियों के द्वारा इसके लिए मेहनत के लिए सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस प्लान को आगे जारी रखा जाएगा जिससे दूसरे थाने के भी आईएसओ हो जाएं। इससे थाना भी एक नया रूप लेता है, रिकॉर्ड भी व्यवस्थित हो जाता है। उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस के साथ नगर व ग्राम रक्षा समितियों का सहयोग यहाँ पर लिया जाएगा, साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी आलोक भदौरिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस कार्य को आगे भी रखने की जिम्मेदारी आलोक भदौरिया की है, वो इसे बखूबी निभाएंगे। कार्यक्रम के अंत में एसडीओपी अमरनाथ वर्मा ने आभार व्यक्त करते हुए आईएसओ को परिभाषित किया। साथ ही इस दौरान एसडीएम ब्रजवल्लभ श्रीवास्तव, बदरवास तहसीलदार, सीएमओ कोलारस महेश चंद्र जाटव के साथ पुलिसकर्मी, पत्रकार, समाज सेवी उपस्थित थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि सामान्यतः मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ों में हम लोग जब शुरू में पुलिस में आए थे और 95 हमने ज्वाइन किया था तो पुलिस को काम बोल दिया जाता था, रिसोर्सेज नहीं दिए जाते थे, कहते थे तुमको ये बना लो, तो वो दाएं बाएं खींचातानी करके बना लेते थे। 40,000 रुपये में बैरक बन जाती थी और उस टाइम थोड़ा सस्ता भी था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें बड़ा कंप्रोमाइज होता था, बड़ा क्वालिटी का चीज़ें होती थी और कुछ अभावग्रस्त से रहते थे। लेकिन अब जो समय आया है, विधायक जी आपने देखा होगा हम लोग के नए मकान बन रहे हैं, वो किसी भी फ्लैट से कम नहीं है। थाना क्षेत्र को, अनुभाग को जो गर्मामय स्थिति में स्थिति प्रदान की गई है, यहाँ के हमारे पत्रकार बंधु, यहाँ का हमारा समस्त पुलिस स्टाफ तथा यहाँ के हमारे सभी नागरिकगण, हमारे सभी रेवेन्यू के अधिकारीगण, इनका सबका सहयोग है कि इस यहाँ की जो साफ सफाई के लिए भी सहयोग प्रदान किया गया। बार बार मैं सभी से निवेदन कर किया और सभी ने सहयोग किया। तारतम्य में उनसे बात हुई तो सर ने अपना जो बेस्ट थाना था कोलारस थाना, इसको चयनित किया कि इसको आईएसओ सर्टिफिकेशन इसका हो सकता है। तो हमारी टीम यहाँ पर आई और इन्होंने दो बार यहाँ पर विजिट किया, ऑडिट किया, उसमें जो भी थोड़ी बहुत कमियाँ थी उनको सुधारने के लिए सर को बोला। संजय मिश्रा जी सर थे यहाँ पर, उनको बोला और उन्होंने अपने और सारे स्टाफ के साथ मिलकर इस टीम को आईएसओ सर्टिफिकेशन बनाने के लिए स्थाने के लिए प्रयास किया और जो कमियाँ बाकी थी वो सेकंड असिस्टेंट असेसमेंट में जो सेकंड ऑडिट हुआ उसमें उन्होंने पूरी की। और जो